हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 4 का पार्ट 1 है, जिसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर के वे दो भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है उसके बारे में बात किया था। आज हम इस लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिए अगर हम जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर वे होते थे जिन्हें हम कहीं देख पाते थे, ना छू पाते थे, ना और ना ही महसूस कर पाते थे, और हार्डवेयर वे होते थे जिन्हें हम देख भी सकते थे, छू भी सकते थे और महसूस भी कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर हम सभी हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, केवल कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर में कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर टू टाइप्स के होते हैं, देखिए इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा इनपुट किया जाता है, यानी कि कोई भी डिवाइस हो जिसके द्वारा अगर कंप्यूटर में डेटा भेजा जा रहा है तो वो इनपुट का काम कर रहा है, चाहे वो डेटा किसी भी माध्यम से पहुंचे। जैसे मान के चलिए मैं अगर एक माइक की बात करूँ, तो देखिए माइक में क्या होगा कि कुछ एनालॉग साउंड को रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद में उस डेटा को डिजिटली कंप्यूटर में भेज देगा। अब हमने माइक से जो डेटा इनपुट किया था वो डेटा कंप्यूटर में जाकर मेमोरी पर स्टोर हो गया, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद में वो डेटा हमें एक आउटपुट डिवाइस जिस पर जैसे मॉनिटर पर दिखाई देने लगेगा। तो वो दिखाई देने लगेगा, केवल वो दिखाई देगा, क्योंकि इसमें आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, एक माइक के द्वारा आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। अब साउंड में देखने से कोई काम नहीं होगा, इसको सुनने के लिए हमें एक आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक आउटपुट डिवाइस की, और वो आउटपुट डिवाइस होगा आपका स्पीकर। यानी कि कंप्यूटर में हमने किसी एक डिवाइस जैसे कि माइक के द्वारा कुछ डेटा इनपुट किया, और इस इनपुट किए गए डेटा का रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइस पर यानी कि स्पीकर पर सुनाई दिया। तो इसमें कितने इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक पैड, टच पैड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, रिमोट, बायोमेट्रिक कैमरा, वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, माइक, OCR, OMR, MICR, BCR, QRCR, SCR और MIDI। हम यहाँ पर इन सभी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड की बात करें, तो देखिए एक कीबोर्ड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जो ASCII कोड पर डिपेंड करता है। देखिए, द्वारा समझ लीजिए, एक कीबोर्ड के अंदर लगभग 104 कीज़ होती हैं, और इन सभी कीज़ का एक कोड होता है जिसे बोलते हैं ASCII कोड, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब इन 104 कीज़ में से हम कोई भी की दबाते हैं तो एक कोड जनरेट होता है जो ASCII कोड होता है। यह कोड प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनली आपको जाकर उसका रिजल्ट मॉनिटर पर दिखा देता है, यानी कि एक आउटपुट डिवाइस पर। यानी कि अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड से कोई भी डेटा हम टाइप करके भेजते हैं, कोई भी की दबाकर। और जैसा कि आप जानते हैं हर एक की का एक ASCII कोड होता है, तो देख लेते हैं ये ASCII कोड कौन कौन से होते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े से बताकर चलता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो मेरा ट्यूटोरियल तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, अगर हमने कीबोर्ड से ए दबाया, कैपिटल ए, तो देखिए ए इक्वल निकलेगा आपका 65, और बी इक्वल निकलेगा आपका 66, सी इक्वल निकलेगा 67। इसी तरह कंटिन्यूस सीरीज में जाकर आपका जेड तक एक वैल्यू निकल के आ जाती है। और अगर हम बात करें स्मॉल ए की, तो वहाँ पर निकलता है आपका 97। अगर स्मॉल ए इक्वल निकल रहा है 97, तो स्मॉल बी इक्वल निकलेगा 98 और सी इक्वल निकलेगा 99। इसी प्रकार से ये सीरीज़ पूरी जेड तक जाती है, यानी कि 97, 98, 99, 100, इसी प्रकार से कंटिन्यू जेड तक जाती है। तो कहने का मतलब यह है, कीबोर्ड से हम जब भी कोई भी की दबाते हैं तो एक कोड निकलता है जिसको ASCII कोड कहते हैं। देखिए, एक बार और समझ लेते हैं, एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, यानी कि ये एक प्राइमरी डिवाइसेस होता है, इसका होना ज़रूरी है। यूज्ड विद ए कंप्यूटर सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। देखिए अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक जो टाइपराइटर होता था उसी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह होता है, जिसमें कई सारे बटन्स होते हैं जिनके द्वारा हम लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स प्रिंट कर सकते हैं आसानी से अपनी डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर। ठीक, तो ये आपका कीबोर्ड था। अब बात करते हैं माउस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि माउस होता किस काम के लिए। देखिए, माउस के द्वारा एक कर्जर को कंट्रोल किया जाता है। कर्जर कैसे कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, आपकी स्क्रीन पर एक पॉइंट ब्लिंकिंग करता रहता है। ठीक, जब वो पॉइंट ब्लिंक करता है, मूवमेंट करता है, तो इसी माउस के द्वारा उस कर्जर को कंट्रोल किया जाता है। इस माउस के अंदर ये कर्जर ही कंट्रोल नहीं होता, बल्कि और भी कई कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं इस पर राइट क्लिक, इसमें तीन बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक और एक स्क्रॉल बटन। इस लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन के द्वारा क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम माउस के राइट क्लिक को दबाते हैं, कि जैसे मान चलिए हमने किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लिया, उस पर हम कितने ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो हमें ये राइट क्लिक के द्वारा पता पड़ता है। अब राइट क्लिक करने के बाद में जो आपके आगे ऑप्शंस, यानी कि एक पॉपअप मेन्यू आता है, उस मेन्यू में आपको कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और आप उस आए हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ये आया हुआ स्क्रॉल बटन किस काम का आता है, ये से समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे पेज पर कुछ लिमिटेड आइटम्स से ज़्यादा आइटम होते हैं, यानी मतलब हम स्क्रीन पर मान के चलिए 15 आइटम एक बार में देख सकते हैं, और उसमें 25 हैं, वो 25 हैं, तो अब हम इन्हें कैसे देखेंगे, बाकी के जो 15 के बाद जो बाकी 10 बचे इनको कैसे देखेंगे, तो हम इस स्क्रॉल बटन का प्रयोग करके हम उस पेज पर सभी आइटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो माउस के द्वारा हम किसी एक कर्जर को कंट्रोल करते थे जो केवल GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करता है। देखिए, यहाँ पर ये प्राइमरी डिवाइस नहीं होता, अगर ये ना हो तो हम माउस को कीबोर्ड द्वारा चला सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड का होना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, जिसके द्वारा, इस माउस के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को या आइकन को या किसी भी फाइल को या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं इसी माउस के द्वारा। ठीक, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होता है जो किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए सहायता देता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, हमारा दूसरा है ट्रैक पैड। देखिए, ट्रैक पैड भी आपका बिल्कुल माउस की तरह ही कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में एक ट्रैक पैड आता है जिस पे हम उंगली रखकर जो हमारा माउस कर सकता है वो सभी कार्य इस ट्रैक पैड के द्वारा कर सकते हैं। इसमें भी राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेकिन इसको खुद मूवमेंट नहीं किया जाता, इस पे फिंगर के द्वारा, फिंगर को टच करके कोई भी काम ड्रैगिंग करके किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप इसमें माउस के वो सभी काम कर सकते हैं जो एक माउस के द्वारा करते थे। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक बात समझनी होगी, इसमें कोई स्क्रॉल बटन नहीं होता है, इसमें स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सभी ब्रांड जैसे डेल है, लेनोवो है या सैमसंग है, जो भी ब्रांड हैं, अपने अपने खुद अलग अलग तरीके से इसमें स्क्रॉलिंग करने के ऑप्शंस देती हैं। ठीक है, कोई साइड में देता है, कोई किसी तरह से देता है, अपने अपने तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो सभी कार्य जो माउस के द्वारा किए जा सकते थे वो यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला डिवाइस है हमारा ट्रैक बॉल। देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रैक बॉल को समझ के चलें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखिए, पहले जो ट्रैक बॉल होती थी वो माउस के नीचे होती थी। तो माउस के नीचे क्यों होती थी, देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपका माउस है और ये आपकी सतह है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका सेंसर। तो अब ये सेंसर पहले इतने वीक होते थे कि आपकी जो सतह है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। अब जब उस सतह को डिटेक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना भी मूवमेंट कर ले, लेकिन आपका कर्सर मूवमेंट नहीं करेगा। इस मूवमेंट को कंटिन्यूस करने के लिए इन्होंने बॉल लगाई, लेकिन बॉल फिर भी माउस जो आपका सेंसर लगा हुआ है उससे दूर थी। अब इन्होंने क्या किया, इस बॉल को सतह के और माउस के बीच में लगा दिया। जब इन्होंने सतह और माउस के बीच में इस बॉल को लगा दिया तो सेंसर से निकलने वाली वेव्स बॉल पे टकराने लगी और बॉल सतह से टकराकर खुद मूवमेंट करने लगी। जब ये मूवमेंट करने लगी तो हमारी ट्रैक बॉल एज ए माउस वर्क करने लगी। देखिए, ये ट्रैक बॉल पहले माउस के नीचे होती थी, लेकिन अब जो ये ट्रैक बॉल आ रही हैं वो माउस के ऊपर आ रही हैं। ज़्यादातर अब ट्रैक बॉल आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, तो अब इसकी बेसिकली नीड्स नहीं पड़ती। लेकिन होती थी इसी काम के लिए कि जिससे आपके कर्जर को कंट्रोल किया जा सके। इससे भी आपका टोटली कर्जर कंट्रोल किया जाता था। हम माउस को खुद मूवमेंट देते हैं, लेकिन इस पर लगी हुई ऊपर ये बॉल, इसको आप जैसे ही मूवमेंट देंगे तो आपका कर्जर मूवमेंट करने लगेगा। इसमें भी आपके दो बटन होते हैं, राइट और लेफ्ट, जो आपके माउस के अंदर राइट और लेफ्ट बटन होते हैं, सेम एज इट इज़ वर्क है। आप जो उस पर कर सकते हैं वो इस पर कर सकते हैं। अब अगला है हमारा जॉयस्टिक। देखिए, जॉयस्टिक क्या होता है, मैं आपको जॉयस्टिक के बारे में बता दूँ, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, आज से कुछ सालों पहले ज़्यादातर गेम की दुकान होती थी जिस पर
गेम खेलने के लिए जाते थे। जैसे मान चलिए मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सुखाबाद में रहता था और वहाँ पर मेरे मामा जी की दुकान थी डॉक्टर की। तो जब भी मामा जी से पैसे लेता था तो डायरेक्ट मैं लगभग 1 घंटे के लिए बीच में गोल हो जाता था। कहने मतलब मैं वहाँ से पैसे लेकर डायरेक्ट गेम की दुकान पर जाता था और मैं क्या करता था, वहाँ पर जाकर गेम खेलता था। उस गेम में मैं देखता था कि एक प्लेयर होता था और उसको प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए वो मुझे एक स्टिक देते थे, यानी कि मेरे हाथ में एक हैंडल देते थे और उस हैंडल के द्वारा मैं उस प्लेयर को कंट्रोल करता था। कहने का मतलब यह है कि हर एक गेम में एक प्लेयर होता है और उस प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए एक स्टिक का प्रयोग किया जाता है, यानी उसे बोलते हैं जो स्टिक, जो एक इनपुट डिवाइस का काम करती थी, यानी कि जिसके द्वारा कुछ सिग्नल कंप्यूटर में जाता था और वह कंप्यूटर उस प्लेयर को कंट्रोल करता था। जैसे मान के चलिए आपको उस प्लेयर को ऊपर ले जाना है तो अप डाउन लेफ्ट राइट, इन कीज़ के द्वारा इस प्लेयर को हम फुली कंट्रोल करते रहते थे। लेकिन जब हम पहले के जॉयस्टिक यूज़ करते थे तो उसमें कोई बटन नहीं होता था, उसमें वही 4 बटन होते थे, लेफ्ट राइट और अप डाउन। लेकिन आज के जो डिजिटल यानी एडवांस जॉयस्टिक आ रहे हैं उनमें कई सारे बटन्स आते हैं, इनके द्वारा हम बहुत सारे काम, यानी कि ऐसा है ना, देखिए पहले कुछ ही गेम होते थे जैसे सुपर मारियो हैं और भी कई सारे गेम हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो प्लेयर है उसको कंट्रोल करने के कुछ ही तरीके थे, लेफ्ट राइट अप डाउन या कोई कीबोर्ड के द्वारा चला लीजिए। लेकिन आज का जो जॉयस्टिक आ रहा है उसमें कई सारे बटन्स आ रहे हैं, आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, सभी आपके सॉल्यूशंस इसी से हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लाइट पेन के बारे में। तो देखिए लाइट पेन क्या होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। देखिए समझ लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लाइट मिलती हैं जो मार्केट में अक्सर करके जो एक जगह दीवार पर पॉइंट बना देती हैं, देखिए देखने में कुछ ऐसी होती थी जिसका काम ऐसा होता था कि मान के चलिए कि हम कहीं रात में बैठे हुए हैं और यहाँ से किसी भी चीज़ को पॉइंट करना चाहें कर सकते हैं, हम किसी भी डेजिनेशन पे एक पॉइंट बना सकते हैं। इसके द्वारा क्या है कि इसमें से एक लाइट निकलती थी, वो लाइट हो सकता है ग्रीन कलर की हो सकता है रेड कलर की हो, ठीक, जिसको बोलते थे लेज़र लाइट। तो इस लेज़र लाइट के द्वारा हम किसी भी जगह पॉइंट कर सकते थे। अब देखिए इसी प्रकार की साइंस ने ये चीज़ देखी तो साइंस ने क्या कर दिया कि जैसे ये पॉइंट बना रहा है तो क्यों ना हम जो वीडियो एक्सप्लेन करते हैं उनके लिए ये चीज़ बना दी जाए सेमिनार्स वगैरह में। तो उन्होंने क्या किया, एक पेन लिया और उस पेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद में मान के चलिए कोई पर्सन है दूर से किसी वीडियो को एक्सप्लेन या किसी भी एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहीं के दूर के बैठे से अपने मॉनिटर पर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकता है, उसे कंप्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर के सीआरटी मॉनिटर में और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके लिए, और मतलब कई सारे सेमिनार हैं उनमें एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी टेस्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी हो, किसी भी चीज़ को बताना हो, ईजिली आप बता सकते हैं। अब हम अगले अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टच स्क्रीन। देखिए टच स्क्रीन क्या होती है समझ लीजिए, देखिए आपके फ़ोन के ऊपर एक डिस्प्ले लगी होती है, उस डिस्प्ले के ऊपर एक और टच लगी होती है और इस टच का काम क्या होता है, देखिए आप जैसे ही इस पर कोई फिंगर टच करते हैं, आप जैसे ही इस पर कोई फिंगर टच करेंगे तो इसका प्रोसेसर क्या करेगा कि वो फिंगर किस जगह टच हुआ है, एक्स वाई और अप डाउन दोनों चारों डायरेक्शन से एक स्केल करके वो मैसेज दे देगा प्रोसेसर को, और प्रोसेसर क्या करेगा उस सिग्नल को डिटेक्ट करके प्रोसेसर समझ लेगा कि डिस्प्ले पर इस जगह कौन सी चीज़ है, उसको पॉइंट करके उसको चालू स्टार्ट कर देगा, ठीक, जिससे इस टच को जिससे इस टच पर क्लिक किए गए प्रोग्राम को रन किया जा सके, जिसको केवल एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जा सकता है। हम सीयूआई में नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न है कि आप यहाँ पर कोई भी काम ग्राफिकली करते हैं, वहाँ पर कोई भी काम ग्राफिकली नहीं होता, वहाँ पर टोटली सीयूआई होता है। सीयूआई कैसे, मतलब कैरेक्टर लाइन यूजर इंटरफेस, जहाँ पर हम कोई भी काम टोटली कीबोर्ड के द्वारा लिखकर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जिस पर इसको हम यूज करना चाहते हैं वो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे कंप्यूटर का हो। इनको हम देखिए इनको हम स्मार्टफोन पर भी लगा सकते हैं, टैबलेट पर लगा सकते हैं, या कैश रजिस्टर्स हों, कहने का मतलब यह है कि या अपने इंफॉर्मेशन कियोस्क हों, हम उन सभी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ डिस्प्ले होती हैं, क्योंकि ये डिवाइस सीधी प्रोसेसर से जुड़ी होती है और प्रोसेसर से जुड़ी हुई होती है इसके नीचे लगी हुई डिस्प्ले। आप जैसे ही इस टच पर पॉइंट कर देंगे जिस जगह पर, उसी जगह से क्लिक करके समझ कर उसको पॉइंट कर देगा, यानी डिस्प्ले पर जो चीज़ होगी उसको वो रन कर देगा। अब हम अगले डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसको हम ग्राफिक टैबलेट करते हैं। देखिए आज से कुछ सालों पहले आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब मेले में जाते हो तो कुछ बच्चों के पास एक ड्राइंग टाइप की एक टैबलेट होती थी जिस पर वो बच्चे कुछ भी लिखते थे और एक उसमें लगा होता था आपका रिबन, उस रिबन को इधर ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया तो इसमें क्या होता था, जो भी आपने लिखा हुआ है वो तुरंत इरेज हो जाता था। साइंस ने ये चीज़ें देखी तो इन लोगों ने क्या किया, साइंस वालों ने इसको डिजिटल बना दिया।
डिजिटल बनाने मतलब कैसा, इसको कंप्यूटर से जोड़ दिया। अब आप जो ड्राइंग पहले वहाँ पर करते थे, अब आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते जाएंगे तो ये ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ की हुई कंप्यूटर पर बनती जाती है। कहने वाले आप यहाँ बनाएंगे और आपकी डिजाइन ड्राइंग ड्रॉ होती जाएगी आपके कंप्यूटर पर डिजिटली। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के इनपुट डिवाइसेस हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे पार्ट टू में। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन आपके कीबोर्ड से है। आपको जैसा कि पता है जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी की दबाते हैं तो एक आस्की कोड निकलता है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड निकलता है। अगर हम ए दबाते हैं कैपिटल ए तो 5 निकलता है, और स्मॉल ए दबाते हैं तो 97 निकलता है। इसी प्रकार आपको इसके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कैपिटल जेड इक्वल कितना होगा और स्मॉल जेड इक्वल आस्की कोड कितना होगा। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियो से आपकी नॉलेज का कुछ गेन हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लग रहा है कि वीडियोस अच्छी हैं तो ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।